अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दे रही हूँ वो है स्नूपी पीनट्स के मग्स। बहुत ही खूबसूरत मग्स हैं, बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मग्स हैं। इनके मटेरियल जो है वो है पोर्सलिन का, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 400 ml की। तो ये अच्छे खासे बड़े मग्स हैं, यू नो, कॉफ़ी के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे नूडल्स वगैरह के लिए ये बेस्ट इसकी कैपेसिटी है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही खूबसूरत हैं, कलर्स इनके बहुत खूबसूरत हैं, लाइवली हैप्पी कलर्स हैं, आँखों को लगने वाले कलर्स, अट्रैक्ट करने वाले कलर्स। और ये जो हैं माइक्रोवेव सेफ़ हैं और डिश वॉशर सेफ भी हैं। अब आप सोचेंगे कि माइक्रोवेव सेफ़ या डिश वॉशर सेफ़ का क्या मतलब, क्योंकि जो ये तो वैसे भी पोर्सलिन के हैं और पोर्सलिन के तो ये जाते ही हैं बर्तन माइक्रोवेव में, डिश वॉशर में। बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने नोटिस करा हो तो कुछ पोर्सलिन के बर्तन जो होते हैं वो माइक्रोवेव में जब आप उसको डालते हैं तो वो खाना गर्म नहीं होता, बट जो बर्तन होता है वो खुद इतना गर्म हो जाता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होते हैं कि आप हाथ टच करें और बहुत बुरे तरीके से आपका हाथ उसमें जल जाता है। तो इसीलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी पोर्सलिन या सेरामिक के जो बर्तन आप ख़रीद रहे हैं वो गर्म तो नहीं होते इतने। तो अब मैं तो जब भी कोई ऐसी पोर्सलिन के जब चीज़ें लेती हूँ तो पहला काम तो मैं यही करती हूँ कि वो चेक करूँ माइक्रोवेव में कि वो गर्म इतने ना हो। दूसरा ये कि डिश वॉशर का सेफ ये होता है कि कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो एक या दो वॉश के अंदर ही उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, उसके अंदर उसका कलर लूज होता है, और आप देखेंगे कि इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं उसके अंदर। तो इस मामले में ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और ये क्योंकि स्नूपी ब्रांड के हैं, क्योंकि ये यू नो एक रीनोन कार्टून है, तो इसको इसकी सीरीज पे ये बना हुआ है। और आपको शायद पता होगा कि जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ या बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे आप अगर कोई ऐसे प्रिंट्स ये लेते हैं जो कि ऑलरेडी किसी के यू नो अंडर नेम होते हैं या वो कॉपीराइटेड होते हैं तो आप उसको इतना ईजिली यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आप ये दिमाग में इसका प्राइस ज़रूर रखें कि वो महंगे तो होंगे ही। ये जो है इटालियन ब्रांड है, इसके अंदर टेक्स्ट भी आई गेस इटालियन में ही लिखा है। और तो इटालियन क्योंकि ब्रांड है, बहुत ही मशहूर ब्रांड के हैं ये, तो इसीलिए ये थोड़े प्राइसी हैं। अब आप बंदा सोचे कि भाई मग्स तो वैसे भी सस्ते मिल जाते हैं और बंदा इतना प्राइसी क्यों ले या क्यों इतना पे कर रहा है, तो बस इसकी वजह यही होती है कि ज़ाहिर बात एक ब्रांड होता है जो कि मशहूर हो जाता है तो वो अब उसकी प्राइस तो होती है। फिर अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं, कोई मशहूर कार्टून, मशहूर टैक्स, मशहूर कोई भी सीरीज़ का कुछ यू नो कोई फ़ोटोज़ वगैरह, तो इसीलिए उनके कॉपीराइट्स के ऊपर जो ये लोग पैसे खर्च करते हैं तो वो भी आपको उसके प्राइस में शामिल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। बट इवेंचुअली बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत कलरफुल, इतने अच्छे हैं और बच्चों को भी अट्रैक्ट करते हैं। और जिन लोगों को शौक़ होता है कि भाई हम अच्छे बर्तन यू नो कलरफुल क्वालिटी वाइज अच्छे हों वो रखें, तो आई गेस इनके लिए बेस्ट कलेक्शन हो सकती है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैं आपको इसको वन बाय वन करके बताती हूँ कि कलर्स इसके कैसे हैं और क्या उनको दिखने में कैसे लग रहे होते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, और आई होप मैं इसमें कंसिस्टेंट रहूँ और आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखाती रहूँ। सो टेक केयर, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।